हेलो यारो, क्या हाल है। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पीसी में एंड्रॉयड कैसे चलाते हैं, मतलब अगर एंड्रॉयड ओएस को अगर पीसी में हमें डालना है और सारी एपीके फाइल चलानी है तो किस तरीके से चलेगा। मैं यहाँ किसी एम्यूलेटर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ ब्लू स्टैक्स की बात नहीं कर रहा कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल के एम्यूलेटर चलाऊँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं पूरा का पूरा ओएस पीसी में डालने की बात कर रहा हूँ। सिंपली गूगल पे जाओ और एंड्रॉयड 10 ISO फॉर PC, जो भी तुम्हें चाहिए, जौन से भी वर्जन की चाहिए वो ले लो। और आई रिकमेंड कि Android x86 की एक वेबसाइट है, इस पे जाओ, यहाँ से मिल जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करो अगर यही वाला वर्ज़न चाहिए तो, अदरवाइज़ मतलब लेटेस्ट वर्ज़न होता है ये। और अगर लेटेस्ट नहीं चाहिए तो इनमें से जो भी वर्ज़न चाहिए वो ले सकते हो, 9.0, 8.1, 9.0। मोर पे जाओगे और देखने को मिल जाएंगे। देखो ये सारे वर्ज़न है, ठीक है। ये रिमिक्स OS है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे आके इसको सिंपली डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट होती है वैसे ही है। देखो फॉस सबसे मैंने इसको डाउनलोडिंग पे लगाया। अब ये पूछेगा कि कौन से बिट पे करना है, तो मैं 32 बिट, 64 बिट, जिस पे भी मेरे को करना है मैं कर लूँगा। ये रहा 64 बिट की ISO है, 32 बिट की ISO है। 32 बिट की कर लेते हैं, 726 MB की है, कम की है, मान के चलते हैं कि ये मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, रूफ़ुस। रूफ़ुस भी एप्लीकेशन है एक, ये रहा इस तरीके की है, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ी है, ये है। जब ये मैं डाउनलोड कर लूँगा तब मेरे को क्या करना है, इसको खोला और अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है। ये मैंने पेन ड्राइव अपने पीसी में लगा दी, देखो ये यहाँ पे शो कर रही है। फ़िलहाल मैंने इसको बूटेबल बना रखा है, तो मैं सिर्फ प्रोसीजर बताऊँगा, करके नहीं दिखाऊँगा। सेलेक्ट पे मैंने क्लिक करा और अपनी एंड्रॉयड की वो जो फ़ाइल मैंने डाउनलोड करी है उसको सेलेक्ट करना है। ये इसको सेलेक्ट करके ओपन, देन एक सेकंड इसको मैं उठा के साइड में कर दूं। इसके बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी मेरी और ये पूरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। पेन ड्राइव आप लोगों की रेडी है, ये इसलिए है ताकि आप पेन ड्राइव में लाइव चलाना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल भी कर सकते हो पेन ड्राइव के थ्रू। बट अभी मैं लाइव चला के दिखाऊंगा, उसका डेटा कहीं पे भी सेव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस वो लाइव चलेगी, ठीक है। अब मैं अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि पेन ड्राइव अभी क्या करना है। जब मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा ना तो अपनी पेन ड्राइव से बूट करना है मेरे को अपने पीसी को, दिखाता हूँ मैं। ये वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूँ, अब जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो मोबाइल से बनेगी। हाँ, तो पीसी मैंने बूट कर लिया है। अब देखो, मैंने पेन ड्राइव से बूट करना है। मैंने F9 प्रेस करा, ऑप्शंस आ गए मेरे पास कि मेरे को किस तरीके से बूट करना है। यहाँ पे मैंने अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करी और एंटर मार दिया। अब देखो, ये मेरे से पूछ रहा है कि किस तरीके से इसको, जो ISO इसको रन करना चाहते हो, तो ये मेरे को फिलहाल लाइव CD ही करना है विदाउट इंस्टॉलेशन, क्योंकि मैं इसको अपनी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना चाहता। अब देखो क्या होता है, ये डिटेक्ट कर रहा है उस फाइल को जिससे ये चलेगा। मिल गई इसको फाइल, हाँ, एंड्रॉयड। ये मेरा लैपटॉप है और ये इसके अंदर एंड्रॉयड चल रहा है। अभी ये बूट हो रहा है, इसके बाद ये प्रॉपर तरीके से पूछेगा कि आपको इसमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए कौन सी नहीं। जैसे हम नया मोबाइल खरीदते हैं तो होता है ना, उस तरीके से अभी हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा। देखो आ गया, स्टार्ट। वाईफाई से मैं कनेक्ट नहीं कर रहा फिलहाल, स्किप कर रहा हूँ। पासवर्ड वगैरह भी मैं नहीं डाल रहा फिलहाल, नॉट नाउ। कौन सा लॉन्चर मेरे को यूज़ करना है, एंड्रॉयड मेरे पीसी पे। मैंने अभी कोई आईडी लॉगिन नहीं करी है अपनी, अदरवाइज मैं प्ले स्टोर भी खोल के दिखाता। ये ऊपर से भी नोटिफिकेशन बार आ रहा है, ठीक है। ये मैं आ गया अपने नॉर्मल पीसी पे, तो इतना सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। आई होप समझ आ गया होगा सबको, और जिसको ये चीज़ें आती हैं उसके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि JioTV नहीं चलता है, वो लोग अपने
पीसी में टीवी चलाना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो मैं ये चीज़ बता दूं कि आप लोग इस पे भी वो रन कर सकते हो। पहले होता था कुछ जो ISO होती थी उसके अंदर जियो टीवी नहीं चलता था पीसी के अंदर, बट जो Android 10 की ISO है इसके थ्रू आप जियो टीवी भी चला सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। बस अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से। चलो फिलहाल बाय।